Hello, Sadios. I'm Suraj and welcome to Dirty Wheels. सबसे पहले आई एम रियली रियली सॉरी कि इतने दिन बाद ये वीडियो आ रही है. एक ज़माना हो गया, कन्याकुमारी की राइड अब तक ख़त्म नहीं हुई. आई एम सॉरी फॉर दैट. तो गैप बहुत ज़्यादा हो गया है, पर कोई बात नहीं. और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये आखिरी वीडियो है इस राइड की, क्योंकि हुआ यूँ, ये जो मेरा मेन कैमरा है जिससे मैं शूट करता हूँ, कन्याकुमारी जिस दिन मैं पहुँचा था तो एक्साइटमेंट पे हम बीच में गए थे. बीच में जाने के बाद वहाँ पे हमने काफ़ी कुछ शूट किया, बहुत अच्छा लगा, मज़ा आ रहा था, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में था मैं. तो मैं क्या किया, लहर के ज़्यादा पास चला गया और काफ़ी लो एंगल से ना बढ़िया सा एकदम स्लोमो निकालने की कोशिश कर रहा था. मतलब ऐसा बात नहीं है कि मैं ज़्यादा ही केयरलेस था, मतलब काफ़ी देर से हम वहाँ पे थे, आधे घंटे लगभग हो गया था, इतना ऊंचा लहर कोई आया नहीं था. और मैं थोड़ा सा उसी लेवल का अपना देख के उसके बाद शूट कर रहा था. ऐसी एक तेज़ लहर आई भाई साहब, मतलब इतना ऊंचा मेरा कैमरा पानी के अंदर, और वो वाटरप्रूफ था नहीं, तो बस वहीं पर बंद हो गया, वहीं पर बंद हो गया, मेरा भी दिमाग बंद हो गया. वहाँ से दोबारा मैंने ऑन नहीं किया. और उसके बाद फिर रात हो गई, जब शाम को जब ऑफिस, जब रात को वापस होटल वापस आए, फिर जब मैं ऑन किया तो कुछ देर के लिए वो चल रहा था, लेकिन फिर भी उसमें कुछ कुछ अजीब सा बिहेवियर मुझे दिख रहा था. कभी कुछ ऑफ हो रहा है, कुछ ब्लिंक कर रहा है. तो मैंने फिर बंद करके रख दिया अपना कैमरा. उसके बाद से मेरे पास जो है प्रॉपर फुटेज नहीं है. तो मैंने जो भी फुटेज लिए हैं इधर उधर की, वही सब फुटेज है मेरे पास. एंड आई एम रियली सॉरी कि मैंने उसके बाद प्रॉपर वीडियो नहीं बनाई. मुझे बनानी चाहिए थी, क्योंकि ऑप्शन ऐसा नहीं था कि ऑप्शन नहीं थे मेरे पास. भाई ने कहा था कि, भाई के साथ में गया था तो उन्होंने कहा था कि आप, उनके पास भी कैमरा है, दो दो तीन तीन कैमरा है, किसी से भी शूट कर ले. तो कर सकता था मैं चाहता तो, पर पता नहीं क्यों, मतलब ये मैंने गलती की. द शो मस्ट गो ऑन वाला एटीट्यूड होना चाहिए था, पर मैं उस वक्त थोड़ा मतलब होता है यार, अब चला गया मेन कैमरा जिसे शूट करता हूँ, हैंडी रहता है वो हमेशा, जहाँ जिस तरह चाहिए वो उसी से मिलता है. अब अलग अलग कैमरा के साथ इतना मैं यूज्ड टू भी नहीं था, और तो इसकी वजह से मैं प्रॉपर शूट नहीं किया. लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मेरे पास प्रॉपर फुटेजेस नहीं है. तो जो भी फुटेजेस मेरे पास है उन सबको मिला के मैं कुछ बनाने की मैंने कोशिश की है, कुछ अच्छा सा कंपाइल करके थोड़ा स्टोरी टेलिंग तरीके से मैंने कुछ बनाने की कोशिश की है, ताकि आप सबको अच्छा लगे. यही था जो मैं शेयर करना चाहता था. और ये लास्ट एपिसोड होने वाला है, तो इसके बाद इसी एपिसोड में सारा राइड जो है वो कवर अप हो जाएगा. सो अगेन सॉरी फॉर दिस इंसिडेंट. कोई बात नहीं, आदमी गलतियों से सीखता है. अगले राइड में हम होंगे कामयाब. तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ. तो कन्याकुमारी के बाद हम सुबह निकल गए और हमें वापसी जो जाना था, जैसे कि हम वापस आए तो थे सागर, हैदराबाद, बैंगलोर होते हुए कन्याकुमारी, पर जो रिटर्न ट्रिप था हमारा वो था हमारा कोस्टल रूट. तो हमें जाना था कन्याकुमारी से कोची की तरफ. कन्याकुमारी से निकल के हम शाम तक पहुँचे कोची. कोची हम पहुँच गए थे कुछ शाम, मतलब अंधेरा हुआ नहीं था, आई थिंक 4 या 5 बज रहे होंगे. हम कोची पहुंच गए थे, फिर कोची में हमने स्टे किया. स्टे करने के बाद सुबह हम कोची से निकले, और उस दिन की भी फुटेज मेरे पास नहीं है, तो इसीलिए उस वक्त कभी मैं कुछ दिखा नहीं पाऊँगा. तो कोची से निकलने के बाद हम पहुँचे मैंगलोर. मैंगलोर में हमने स्टे किया. उसके बाद फिर मैंगलोर से निकलने के बाद जब हम गोवा की तरफ आगे बढ़ रहे थे, तो रास्ते में हमें कुछ दिखा. मतलब अब तक तो बीच हमने देखा था, कन्याकुमारी बीच देख लिया था, पर उसके बाद कुछ ऐसा प्रॉपर अच्छा सा कुछ दिख नहीं रहा था. पर जो सीन हमने देखा वो बिल्कुल एकदम, हम आगे जा रहे और एकदम रोड के बिल्कुल पास, एकदम रोड से लगा हुआ एक, मतलब ऐसा एक खूबसूरत मतलब व्यू पॉइंट था. सागर सामने बिल्कुल रोड के रोड आगे जाकर ऐसे टर्न हो रहा है, और यहीं पर जो है सागर बिल्कुल सामने हमारे. अगर हम टर्न ना लें, सीधा जाएं, तो हम सागर में चले जाएंगे. और वो बीच बहुत ही सुंदर. साथियों, बहुत मज़ा आया यहाँ पे, और हम लोग थोड़ी देर यहाँ पे रुके, थोड़ा फ़ोटोशूट किया, और यहाँ पे काफ़ी टाइम स्पेंड हो गया है. तो अब हमें निकलना चाहिए यहाँ से, छोड़ के जाने का मन तो नहीं कर रहा. बहुत खूबसूरत है यार ये, बहुत. तो फिर निकलते हैं यहाँ से, आगे राइड कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि आज पहुँचना है गोवा.
फिर गोवा हम पहुंच गए थे लगभग, गोवा भी ऐसे ही शाम के टाइम तक पहुंच गए थे। उसके बाद वहां से शाम को फिर हम बाहर निकले गोवा एक्सप्लोर करने के लिए। गाइस गोवा तो हम पहुंच गए हैं और शाम हो गई, तो अभी निकले हैं थोड़ा कुछ खाने के लिए। तो ये जो रेस्टोरेंट है यहाँ पे आए खाने के लिए, तो कुछ खाते हैं उसके बाद बीच में भी जाएंगे अभी। तो अभी हम आ गए हैं यहाँ, हमारे होटल के पास ही है वागाटोर बीच। आई एम सॉरी अगर गलत एक्सप्लेन प्रोनाउंस किया होगा तो ये वागाटोर बीच है, लेकिन अभी अंधेरा हो गया है इसलिए आपको पानी दिखेगा नहीं। तो ये है लास्ट पॉइंट, यहाँ तक बाइक जा सकती है। मेरा रिमर यहाँ खड़ा है और ये पीछे जो है यहाँ पे कुछ शॉप्स हैं काफ़ी, आप यहाँ पे कुछ स्नैक्स वैक्स खा सकते हो, कुछ भी खाने वाने के लिए शॉप है। और पीछे से देखिए आवाज़ आ रही होगी, इस वक्त आपको दिखाई कुछ नहीं देगा पर यहाँ पूरा का पूरा पानी है और लहरें आ रही हैं, पत्थर पे टकरा रही हैं, आवाज़ आ रही है। तो अब हम यहाँ से रास्ता है, अब हम जा रहे हैं नीचे। अंधेरा है, ये मैं टॉर्च की लाइट से चल रहा हूँ और देखते हैं, थोड़ा सा स्लिपरी है ये। दोस्तों फ़ोन रख के ना, मैं नीचे उतरता हूँ उसके बाद बात करता हूँ फ़ोन, क्योंकि यहाँ इतना स्लिपरी है कि पाँव फिसल सकता है। ओ भाई वो लहर में देखिए लाइट लाइट सी दिख रही है लहर। मुझे लग रहा है तुम लुढ़कते होगे मेरे ऊपर। नहीं 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 आऊँगा, तुम जाओ, मैं आगे चलता हूँ। ये सूरज भाई लुढ़के मेरे ऊपर। तो गाइस आज मेरा मिलिट्री टेस्ट, तो यहाँ से हम नीचे जा रहे हैं। तो ये डाउन ओके, ये जो है काफ़ी गहरा है। तो ये पत्थर पे मैं पाँव रखा और यहाँ से जंप, और अब भाई की बारी आराम से ये बाइक आने का रास्ता है इसका मतलब यहाँ से। तो यहाँ हमें बाइक्स दिख रही हैं, इसका मतलब कहीं से तो रास्ता है, ये लोग लेके आ रहे हैं आराम से। और ये वहाँ पे देखिए बहुत दोस्तों, जो थोड़ा बहुत लाइट दिखाई दे रहा है वो है बहुत एक रेस्टोरेंट टाइप का ढाबा हुआ है, कुछ शॉप्स हैं वहाँ पे और बहुत अच्छा लग रहा है वहाँ पे जिस तरह से लाइट्स लगा के रखी हुई हैं। तो बीच से हम वापस आ गए हैं, कुछ अंधेरा था, इतना दिखाने लायक कुछ था नहीं, बीच ठीक ठाक था, वहाँ पे फूड जॉइंट्स थे और बस ऐसे था, कुछ ज़्यादा खास नहीं था। तो हम वापस आ गए वहाँ से, अभी यहाँ से निकलते हैं। तो गाइस खाना खा लिया, बीच भी घूम लिया और भाई को लेना था एक शू, तो उनके पास जो है वो फॉर्मल शू था लेदर वाला, तो बीच पानी वानी में तो ख़राब हो जाएगा, तो इसीलिए उनको एक शू लेना था। तो हम आए हैं इस फुटवेयर शॉप पे, तो चलते हैं अंदर। तो आज भाई सीख के रहेंगे कैसे डलते हैं ऐसा करो। मैडम हेल्प कर रही है उनको, और इधर से निकालो वापस इस होल में डाल दो। तो पहली बार आज भाई सीख गए, ये पहनते ही नहीं चक्कर में। ये देखो हो गया सिंपल दाना पापा, बस इजी मेरे से पहले आपने डाल दिया, देखो फास्ट, देखो 5-6 रुपया फर्क रहता नहीं। तो फाइनली इस पार्क के शॉप पे मिल गया। तो गाइस हम एंटर कर रहे हैं बागा बीच, पीछे पार्किंग में हमारी बाइक लगा दी है, ठीक पीछे है, और एंटर कर रहे हैं यहाँ का बीच। तो यहाँ में काफ़ी लाउड म्यूजिक चल रहा है, उसके लिए मुझे ऑडियो जो है म्यूट करना होगा, बैकग्राउंड म्यूजिक लगा।
से वापस निकल के बाहर आ गया, जस्ट थोड़ा नाइट लाइफ चेकआउट करने गया था, मतलब एक्सपीरियंस करने गया था कैसा होता है। तो बहुत लाउड म्यूज़िक, हर कोई मगन, तो नॉट माई टाइप यार, मुझे ऐसी जगह पसंद नहीं है। तो वहाँ से बाहर निकल के वापस आ गया हूँ और अब हम चलते हैं वापस अपने होटल रूम जाएंगे। और कल सुबह जो एक्टिविटीज़ हमने बुक की हुई है वो करेंगे, वो मज़ा आएगा। उसमें स्क्यूबा डाइविंग और पैरासेलिंग और भी कुछ कुछ इस तरह की वाटर एक्टिविटीज़ है, तो वो सब करते हैं, वो सब ट्राई करते हैं अब। और आई बिलीव मुझे उसमें बहुत मज़ा आएगा और मुझे मज़ा आएगा, तो मैं आपको अपने थ्रू, लेंस के थ्रू आपको भी दिखाऊंगा, आपको भी मज़ा आएगा। गुड मॉर्निंग साथियों, आज है 26th of February, यानी कि हमें नौ दिन पूरे हो चुके हैं राइड पे निकले हुए। और अभी क्या शानदार मॉर्निंग है, आपको मैं दिखाऊंगा। और तो अभी हम जा रहे हैं बाहर, वहाँ पे हमने बुक कराया है कुछ एक्टिविटीज़, वाटर एक्टिविटीज़ और स्कूबा डाइविंग। तो स्कूबा डाइविंग मैंने कभी नहीं की है, वो देखा था ना ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, उस पर देखा था मैंने, तो तभी मैंने सोचा था मैं भी करूँगा एक दिन। तो आज देखते हैं आज का कैसा होता है, आज मुझे भी चांस मिला है तो हमने बुक किया है ये सब, तो पूरा कॉम्बो पैक है। तो बस अब रेडी हो गए हम लोग और हम निकलते हैं यहाँ से। सो लेट्स गो गोवा। तो गाइस हम आ गए हैं वेन्यू पे, यहाँ से बोट लेके जाएगी हमें उस ग्रैंड आइलैंड पे, तो वहाँ पे स्कूबा डाइविंग होने वाला है। तो यहाँ से अब सब कोई गैदर हो रहा है, उसके बाद में थोड़ा सा ब्रीफिंग होगा, उसके बाद सब निकलेंगे यहाँ से बोट पे। और निकलेंगे किससे, ये पीछे पीछे जो बोट लगी है, यहाँ बोट से निकलते हैं। तो यहाँ से कह रहे हैं बोट जो है 20 किलोमीटर का ड्राइव है बोट से, तो देखते हैं कितना टाइम लगता है। ओके, तो ये स्लीपर्स हमें यहाँ यहीं से उतारने के लिए कह रहे हैं। तो यहाँ पर शूट कर रहे हैं, कोई मुझे याद नहीं, स्लिप तो नहीं होगा भाई, देख के हेलमेट फ्रॉम राइडिंग जैकेट टू डिस्क जैकेट, अभी ये पहनना पड़ेगा, वो भाई ने पहन लिया है। तो हो गया 9:15 और बोट स्टार्ट हो गई है हमारी आइलैंड की तरफ। Non-smoking boat, you are not allowed to smoke inside this boat, and we have a restroom at the back which can be used while the boat is moving. Okay, and the life jacket is mandatory. Okay. And not okay.
should say the mask you're wearing. Second is that on the surface, the same, just do the same thing on the can we use our own cameras? It's not possible because you have to take care of your personal belongings. We are not responsible. If it goes underwater, we can't find it for you. तो भाई ने हमें ब्रीफिंग दे दी है, तो उसके बाद अब मेरे ख्याल से टाइम आ गया है, नीचे जाना है अंडर वाटर. इसका तो तुम्हें कोई असर नहीं पड़ा होगा, मुझे तो नीचे बिठा लेते हैं. फॉगी हो रहा है अंदर. तो नाक से सांस ले क्यों रहे हो? नाक से लिया. बोलना दोबारा बोलना. लाख से ले लिया भाई. नहीं मत बोलो, बहुत बुरा लग रहा है, मत बोलो यार. कहते जोश देख रहे हो भाई का? भाई साहब पोपट हो गया वहाँ जाके. मतलब जब मैं अंदर, मतलब जब मैं पानी में उतरा, उसके बाद जब मतलब सारा सिलेंडर मास्क वास्क पूरा एकदम पैक कर दिया, पूरा पहना दिया, उसके बाद जैसे ही टर्न किया ना पानी की तरफ जाने के लिए, मतलब अंदर जाना तो छोड़ो, अभी जब जस्ट पानी के अंदर जब सिर डाला ही था, ऐसा हो रहा भाई सांस ही नहीं आ रही. पता नहीं क्या हो गया भाई, सांस ही नहीं आ रही थी मेरी. जो इन्हेलर होता है जो आप मुंह में रखते हो, तो उसको आप ऐसे हल्का सा सक करोगे, प्रेशर दोगे, तो आपका जो है अंदर ऑक्सीजन चला जाएगा. ठीक है, वो एक ऑप्शन होता है. ये होता है तब जब आप नॉर्मल ब्रीथ कर रहे हो, आप शांत हो, आपका ब्रीथ जो है स्टेबल है, तब आप ये ब्रीथ कर सकते हो. ऐसे हल्का खींचोगे ऑक्सीजन आएगा. और एक दूसरा होता है जब आपको ज़्यादा सांस की ज़रूरत होती है, उस वक्त क्या होता है, यहाँ पे एक बटन होता है उसके जो इन्हेलर के फ्रंट में, उसको आप प्रेस करोगे ना, तो सिलेंडर में जितना जो प्रेशर के साथ जो ऑक्सीजन फिल किया हुआ है ना, वो पूरा प्रेशर रिलीज़ होता है एकदम, जो मतलब बहुत ज़ोर से फुल प्रेशर के साथ आपके अंदर जाता है ऑक्सीजन. और मतलब वो इतना प्रेशर तेज होता है कि आप ऐसे दबा दोगे बटन, फूलने लग जाओगे. तो ऐसा कुछ था, तो मैंने वो बटन भी पूरा प्रेस कर दिया. इतनी मतलब प्रेशर के साथ वो अंदर आ रहा है ऑक्सीजन, वो भी मुझे कम पड़ रही थी. पता नहीं क्या हुआ, क्या मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया. मतलब मेरे से सांस ही नहीं लिया जा रहा था वहाँ अंदर. बहुत पोपट हो गया, लाइफ इतना ख़राब हो गया, इतना ख़राब हो गया. प्रेस कर दो बटन को, रिकॉर्डिंग ऑन कर दो. इसमें मेरी वीडियो है, वापस लेके आना. दे ले, निकाल लो. नहीं तुम्हारी वो ले लेंगे फुटेज को, निकाल लेता हूँ. इसको निकाल, तुम्हारी फुटेज उनसे ले लेते हैं. अंदर जाके सही हो जाएगा. हिंदी आप लोगों को कितना, किसको आता है उसको थोड़ा बोलो सर, थोड़ा बोलो. ओके सो करके अभी तो मैं आ गया, पर मेरी दिक्कत हुई, मैं सांस नहीं ली जा रही थी अंदर, तो इसलिए बस सरफेस पे ही था, ज़्यादा अंदर नहीं गया, वापस आ गया जल्दी. चेहरे पे मुस्कान है पर आँखों में जो दर्द दिख रहा होगा ना.
अच्छा हाँ, ये था एक आइलैंड पे, ये सारी एक्टिविटी जो स्कूबा डाइविंग थी ये अलग से एक आइलैंड पे था जहाँ पे वो हमें लेके गए थे, जहाँ जिस बोट से हम गए थे। तो फिर उस बोट से हम वापस आ गए, उसके बाद जो दूसरे बीच पे शायद आई थिंक बागा बीच या पता नहीं कौन सी बीच थी, तो वहाँ पे फिर बाकी की एक्टिविटीज़ हमारी होनी थी। उसमें था पैरासेलिंग जो आप देख सकते हो, ये बनाना राइड था। फिर उसके बाद और एक पता नहीं कुछ तो राइड था, वो जो बड़ा सा ट्यूब सा होता है गोल सा, उसके बीच में बैठा देते हैं और फिर बोट के साथ बांध देते हैं, इंजन बोट के साथ, और खींचते हैं, वो था। उसके बाद बनाना राइड भी कुछ ऐसा ही था, एक बड़ा सा बनाना जैसा होता है बोट, बड़ा सा मतलब बोट नहीं कहेंगे, राफ्ट बोलेंगे उसको, हवा भरा होता है अंदर, उसमें बांध देते हैं, फिर उसको भी खींचते हैं। और उसमें क्या है, एक सस्पेंस है जो मैं अभी से बोल दे रहा हूँ एज ए स्पॉयलर, बनाना राइड पर आपको हमेशा गिरा दिया जाता है, बाद में एंड में जो है वो गिरा ही देते हैं। तो बार बार गीला हो रहा था, मतलब इतने बार, मतलब थोड़ा सा सूख पानी से थोड़ा बाहर निकलो, थोड़ी देर बॉडी को सुखाओ, नेक्स्ट एक्टिविटी में फिर से आपको गीला होना ही पड़ेगा। तो बस ये था, ये सारी एक्टिविटीज़ हो गई, उसके बाद हम वापस आ गए होटल बिल्कुल थक के चूर, और आगे उस दिन हमने रेस्ट किया और फिर समय आ गया था गोवा से भी निकलने का। और अगली सुबह हमने पैक किया अपना बैग और ओके। हेलो साथियों, तो आज है मॉर्निंग, यहाँ गोवा से आज निकलने का दिन आ चुका है, सुबह सुबह अब ऑलमोस्ट 9 बज चुके हैं, तो यहाँ से निकलना है मुंबई के लिए। टुडे आज का डेस्टिनेशन जो होगा लगभग 600 किलोमीटर के आसपास है, ऊपर नीचे थोड़ा हो सकता है। और तो बस सारा पैक्ड अप है, भाई की गाड़ी भी पैक्ड अप है और मेरी भी पैक्ड अप है, उसके बाद बस गेट अप होते हैं और निकलते हैं यहाँ से ऑफ टू मुंबई। गोवा के बाद हम मुंबई पहुँचे थे, वहाँ की भी फुटेजेस नहीं है मेरे पास। और मुंबई के बाद फिर हम निकले थे और हम पहुँचे थे अजमेर, यस, मुंबई के बाद अजमेर, और फिर अजमेर से वापस दिल्ली, और इसके साथ ही ये राइड ख़त्म हो गई। तो ये थी स्टोरी जो मैं आपको बताना चाह रहा था। आई एम वेरी वेरी सॉरी, मुझे पता है ये प्रॉपर स्टोरी इस तरह से नहीं होती, पर कुछ गलतियां जो मैंने की उसकी वजह से आई एम रियली रियली सॉरी। कोई बात नहीं, आगे और भी राइड आएंगी, अभी तो लॉकडाउन का ही माहौल चल रहा है पूरा, अभी तो खुला नहीं है सब कुछ और अभी जाना सेफ भी नहीं है, पर आगे फ्यूचर में जाऊँगा तो ज़रूर, इस बार ऐसी गलती नहीं होगी। पहली बार था, थोड़ा एक्सपीरियंस, कुछ ध्यान देने लायक चीज़ें थी जो मैंने दी नहीं, कोई बात नहीं, अगली बार जो भी राइड पे जाएंगे प्रॉपर वीडियोस आएंगी। तो और आप लोग यहाँ तक वीडियो देख रहे हो ना, आपके हिम्मत की दाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं, अगले वीडियो में जल्द होगी मुलाकात।